के मामले में स्टिंग ऑपरेशन चलाते हुए तस्करी के आरोप में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम को भी गिरफ्तार किया है। उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम पर नवजात बच्ची पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने बताया कि कोई गिरोह नवजात को शहर के मोती तालाब पारा क्षेत्र यासिर अहमद को बेचने की फिराक में लगा था। यासिर अहमद को रुखसाना नामक एक महिला ने 2.5 लाख रुपए देने पर बच्चा देने की बात कही थी। अति पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये बच्ची भानुपुरी गांव की ही रहने वाली एक मूक बधिर महिला की है। इधर प्लानिंग के तहत प्रार्थी यासिर अहमद के साथ सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची हुई थी और जैसे ही बच्ची को प्रार्थी यासिर अहमद को देकर पैसा लिया जा रहा था, इसी दौरान पिंक टीम तीनों ही महिला और एएनएम को धर दबोचा। महिला चूंकि मुकबधिर थी और अभी नाम ज्ञात नहीं हो पाया है, अज्ञात है, तो उसके बच्चे को उन्होंने एक फर्जी प्रमाण पत्र बना करके बेचने के लिए यासिन अहमद को बुलाया था और उस बच्चे को खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था। अब साथ में भी सूचना मिली थी कि रुखसार बेगम, आशा और सानिया ये तीनों जो हैं मिल करके उस काम में उनको मदद कर रहे थे। तो इस पर ग्वालियर में मामूली कहासुनी के बाद